Hi everyone, welcome back to my channel. And today we are going to talk about the topic how our class 11th got fucked up. So here we go. So the first one is, bhai abhi to board deke aaya hu main, to abhi kyun padhna hai? This mistake usually do by everyone. तो ये common mistake तुम मत करना, क्योंकि हमें पता है class 11th is the most important year of your life. तो प्लीज इसे अच्छे से यूज करना. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट वन इज ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. तुम्हें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे, सिगरेट, दारू, गर्लफ्रेंड और ना जाने कितने डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि मैंने अपने खुद आंखों से देखा है मेरे दोस्त को बिगड़ते हुए. तो ये गलती तुम मत करना, बिकॉज मैंने तो नहीं किया, अब तुम्हारा पता नहीं. तो डिस्ट्रैक्शन से तुम बचे रहना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप. सो द नेक्स्ट वन, अब क्लास 10 तुम दे के आए हो, तो अभी तुम 11th में भी सोच रहे होगे कि क्लास 10 जैसा मेहनत करना होगा, बट ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि क्लास 11th बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू क्लास 10. तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्लास 11th में एज कम्पेयर टू क्लास 10th. और इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स कर लेते हैं, जैसे कि बैकलॉग्स उनके बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक दो महीना 11th पढ़ने के बाद वो सोचते हैं कि ये तो बहुत हार्ड है, इसको छोड़ देते हैं, और उसके बाद उनका बैकलॉग बढ़ते ही जाता है. तो इसलिए यू जस्ट फोकस्ड इन क्लास 11, क्योंकि अगर क्लास 11 तुम्हारे बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा तो क्लास 12 तुम फोड़ने वाले हो भाई, रियली तुम फोड़ने वाले. सो द नेक्स्ट वन, ये गलती मैंने किया था तो तुम ये गलती मत करना. अब पहले से ये डिसाइड कर लेना कि तुम्हें फाउंडेशन में जाना है, जेईई नीट वगैरह जो तुम्हें देना है, या फिर तुम्हें एनडीए करना है, या तो बहुत सारे ऑप्शन है. तो ये मैंने गलती कर चुका था. और अगर तुम्हारा 11th बर्बाद हो चुका है तो तुम ये चिंता मत करो, यू कैन स्टिल क्रैक जेईई मेंस और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बिकॉज वन ईयर प्रिपरेशन इज एनफ टू क्रैक एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. सो यू मस्ट डेडिकेट एंड स्टडी फॉर वन ईयर एंड यू कैन क्रैक all the competitive exams that you are preparing for. So this is all the points, you must take care of it.